ट्वेल्थ ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड जनसंख्या संगठन, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोप के विकसित देश यूएसए, कनाडा और जापान, यानी पूरे विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें वृद्धों की जनसंख्या अधिक क्यों है, यानी बूढ़े लोग ज़्यादा क्यों हैं, एज्ड पीपल ज़्यादा क्यों हैं, क्या कारण हो सकते हैं। विकसित देश हैं तो वहाँ जन्मदर कम होगी, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अधिक जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी अधिक होगी, क्योंकि इन देशों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ अधिक होती हैं तो बूढ़े लोग जल्दी से मरते नहीं हैं, लंबा जीवन जीते हैं, तो अधिक जीवन प्रत्याशा है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन टिक कर देंगे, ए व बी दोनों। दूसरा, आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स स्ट्रक्चर, जो कि पॉपुलेशन की विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उसके अंदर तीन प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, तो उसमें चौड़ा आधार क्या दर्शाता है, यानी उसका जो बेस है वो ब्रॉड है, इसका क्या मतलब है। उच्च जन्मदर चौड़ा आधार है तो इसका मतलब जो निम्न आयु वर्ग के अंदर जनसंख्या अधिक होगी, बच्चों की जनसंख्या अधिक होगी तो उच्च जन्मदर होगी, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या किस देश में है, यानी वर्ल्ड के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है या मध्य आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष तक, जो कार्यशील जनसंख्या भी हम कह सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, तो वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है इस समय। चौथा क्वेश्चन, विकसित देशों में जनसंख्या की विशेषता है, यानी इन देशों के अंदर जनसंख्या की विशेषता क्या होगी। अधिक वृद्ध जनसंख्या, तो एक ऑप्शन तो यही ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ देखा है। दूसरा, उच्च वर्ग में अधिक जीवन प्रत्याशा, यानी जो वृद्ध जनसंख्या है उनकी जो औसत उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी अधिक है, तो बी ऑप्शन भी ठीक है। बच्चों का कम अनुपात, तो विकसित देशों के अंदर जन्मदर कम होती है तो बच्चों का अनुपात कम होगा, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, प्राश्रितता डिपेंडेंसी का अनुपात कब बढ़ता है, प्राश्रितता क्या होती है, यानी दूसरों पर निर्भर रहना। 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाती है, बच्चों की जनसंख्या बढ़ जाती है, स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे होते हैं वो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, उच्चतम लिंगानुपात वाला देश है, यानी विश्व के अंदर सबसे अधिक सेक्स रेशियो किस कंट्री के अंदर है, तो वो लातविया है, यूरोप के अंदर, उस देश के अंदर है। और सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, जो कि एशिया के अंदर है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एट्थ क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है, यानी एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया का बनता है, तो हम जानते हैं तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा होगा, ह्रासमान डिक्लाइन होगा या विस्तारित एक्सपेंडेड होगा या कॉन्स्टेंट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या स्थिर है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो कॉन्स्टेंट। तो आयु लिंग पिरामिड के आप तीनों ही प्रकारों को ध्यान से पढ़ें, कौन कौन से देश किस स्थिति के अंदर आते हैं, भारत की क्या स्थिति है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। नाइन्थ क्वेश्चन, यूरोप के देशों में पुरुष कम क्यों हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूरोप के देशों में लिंगानुपात पुरुषों के प्रतिकूल क्यों हैं, महिलाओं के अनुकूल क्यों हैं। तो भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास, यानी पास्ट के अंदर वर्ल्ड के अनेक पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो मेल है वो आउट माइग्रेशन हुआ है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप के ब्रिटेन या अनेक देशों ने अन्य देशों पर जब राज किया था तो बहुत बड़ी संख्या में उन्हें जो फौज है वो दूसरे देशों के अंदर लेके जानी पड़ी थी और लंबे समय तक उन पर राज किया है, तो पुरुष विशाल मात्रा में बाहर गए हैं, ये ऑप्शन ठीक है। स्त्रियों की बेहतर स्थिति, ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस है वो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, तो इसका सी ऑप्शन
सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 10th क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को आप, इसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया या अन्य देश अफ्रीका महाद्वीप के अंदर महिलाओं की संख्या कम क्यों है, तो लिंगानुपात से अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। 10th क्वेश्चन, यूएसए, कनाडा और यूरोपीय विकसित देशों में ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों की संख्या कम क्यों है, यानी जो विश्व के विकसित देश हैं उनके रूरल एरियाज के अंदर जो फीमेल की जो संख्या है वो कम क्यों है। तो नगरों में स्त्रियों को अधिक रोजगार के अवसर, यानी रोजगार के अवसर उनको ज़्यादा हैं शहरों के अंदर, तो विकसित देशों के अंदर ऐसा होता है कि स्त्रियों को अधिक रोजगार मिलता है वहाँ पर ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में कृषि का मशीनीकरण, रूरल एरियाज के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका अत्यधिक विकास हुआ है, काफ़ी हाईटेक मशीनरी आपको वहाँ देखने को मिलती है, तो इस ग्रामीण इलाकों में जब कृषि का मशीनीकरण होता है तो सारा कार्य मशीनों से होता है, तो मशीनें चलाने के लिए पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है, तो ग्रामीण इलाकों के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक है, स्त्रियों की कम है, ये ऑप्शन भी ठीक है। बड़ी संख्या में स्त्रियों का नगरों की ओर प्रवास, तो नगरों के अंदर उन्हें रोजगार है तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उनका माइग्रेशन हुआ है, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी पे आप निशान लगाएंगे। इसी क्वेश्चन का एक रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे इसका बना था कि भारत या अन्य एशियाई जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनके अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा क्यों है, शहरों के अंदर पुरुषों की संख्या ज़्यादा क्यों है, तो हम बता सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो खेती का कार्य है वो हाथों से होता है तो महिलाएं काफ़ी भाग लेती हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर जो महिलाओं को इतनी अधिक सुरक्षा नहीं मिल पाती, रहने का खर्चा अधिक होता है, पर्यावरण प्रदूषित है, तो अनेक कारण हैं जो कि हम लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर 3rd के हमारे एमसीक्यूज़, पहले 2 चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी हमने कवर कर लिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।